हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। इससे पहले के लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को कवर अप कर दिया है, और अगर आपने उस लेक्चर सीरीज को नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर किए गए हैं, जो आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस में भी मदद कर सकते हैं। और आप क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में आते हैं, कहीं ना कहीं वो एक्सप्लेनेशन पर होता है, अंडरस्टैंडिंग पर होता है, ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस तो नहीं पॉलिटी में, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पर होता है। तो अगर एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो आप पॉलिटी के क्वेश्चंस आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। 2021 का जो आपका एग्जामिनेशन, वैसे तो पोस्टपोन हो गया है, लेकिन 2020 के आपने एग्जामिनेशन में देखा होगा प्रीलिम्स में कि कैसे पॉलिटी के क्वेश्चन रिलेटिवली काफ़ी ईजियर आए थे। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि हाँ, पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते थे। सो इसीलिए ये आपका 15 से 20 क्वेश्चंस होता है पॉलिटी में, तो इस सेक्शन को कहीं ना कहीं आपको नहीं छोड़ना है। पॉलिटी के सेक्शन को समझने की एक प्रकार प्रक्रिया जब चालू हो जाती है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो विदाउट डिले लेट्स मूव टू द टॉपिक डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। जब हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो डायरेक्टिव शब्द का क्या मतलब हुआ? डायरेक्टिव शब्द का मतलब हुआ डायरेक्शन देना, दिशा निर्देश देना। दिशा निर्देश किसके लिए? स्टेट के लिए। और स्टेट माने क्या, जो हमने आर्टिकल 12 में डिस्कस किया था कि स्टेट मींस व्हाट, है ना। तो स्टेट पॉलिसीज जो आपके हैं उसके लिए जो डायरेक्टिव लाए जाएंगे, जो संविधान में दिए गए, उसे हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा है। यानी कि सिंपल शब्द में कहे कि अगर किसी स्टेट को, अथॉरिटी को रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं, तो उसको अपने माइंड में किन किन बातों का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं, अगर स्टेट जो है वो कोई ऐसा लॉ लेकर आता है जिसके कारण फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लॉ इनवैलिड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। उसी प्रकार से डीपीएसपी ये बताता है स्टेट को कि भाई साहब, आप इन इन क्षेत्रों में काम करो, इन क्षेत्रों में लॉ बनाओ, है ना, वेलफेयर स्टेट का प्रिंसिपल रखो, है ना, सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी लेकर आओ। तो कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजन हम देखेंगे, और यहाँ से आपका डीपीएसपी की विचारधारा निकल कर आती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये आपका नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल्स होता है या दिशा निर्देश होता है, ये स्टेट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है। और डेफिनेटली समय दर समय, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनी, तो समय दर समय जो डीपीएसपीज हैं उसके कुछ प्रोविजंस उठाकर आपके इम्प्लीमेंट भी किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, आपने राइट टू एजुकेशन, जो कि अब एक फंडामेंटल राइट बन गया है, आपने इनके बारे में भी सुना होगा, पहले ये डीपीएसपी की पार्ट हुआ करती थी, तो उससे से निकाल कर आपका ये लाया गया है, फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया गया, जस्टिसेबल बना दिया गया। उसी प्रकार से मनरेगा स्कीम चलाई जाती है, या फिर वेरियस इक्वलिटी वाली स्कीम्स चलाई जाती है, तो वो सब कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में वो सब विचार मौजूद हैं, जिसके आधार पर ये सब स्कीम्स लाई जाती है। सो ये हमने बेसिक पॉइंट्स की कवर करी डीपीएसपी के बारे में। और अगर हम सर्टेन अदर प्रिंसिपल्स की बात करें, सर्टेन अदर पॉइंट्स की बात करें, तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये कि जो डीपीएसपी का कंसेप्ट है, ये बेसिकली इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो डीपीएसपी को नोबल फीचर्स भी कहते हैं, एंड जो ग्रेविले एस्टीन है, इनका कहना है कि डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट्स, अगर इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में देखा जाए, तो ये संविधान की अंतरात्मा है। यानी कि एक प्रकार से पूरा कह सकते हो, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। दिस इज द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। And DPSP plus fundamental right, it is also called philosophy and soul of the constitution. तो ये सब बातें हैं। And आजकल UPSC part पर भी focus कर रही है, तो आप part भी याद रखना कि ये जो DPSP है part 4 में cover होता है, fundamental rights part 3 में cover होता है, तो ऐसे भी आपको याद रखने है, क्योंकि आजकल part पे भी question पूछे जा रहे हैं। तो part 4 deals with article 36 से 51, and ये moral obligation, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, ये moral ऑब्लिगेशन, मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं, मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक दबाव कह सकते हो, ऑब्लिगेशन कह सकते हो, स्टेट अथॉरिटीज पर दिया जाता है, सो दैट डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करा जाए। लेकिन जो रियल फोर्स बिहाइंड देम वो पॉलिटिकल होता है, यानी कि पब्लिक ओपिनियन की
कोई डीपीएसपी के प्रोविजन को उठा के लाना है या नहीं लाना है, ये जनमत संग्रह होंगी। कहने का मतलब ये कि जब जनता राजी होंगी या फिर पॉलिटिकल जो पार्टीज है ना, वो सब राजी होंगे, तो वो एक्चुअल में आपका अप्लाई हो जाएगा। और ये सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करता है, पॉजिटिव इन नेचर है, यानी कि इसमें ये बताया जाएगा कि स्टेट को ये करना चाहिए, स्टेट को वो करना चाहिए। फंडामेंटल राइट में क्या हो रहे थे, मोस्टली नेगेटिव इन नेचर, कि स्टेट को ये नहीं करना है, स्टेट को वो नहीं करना है ना। तो ये सब बातें आप देख सकते हो, और ये सप्लीमेंट्री है फंडामेंटल राइट्स के अनुसार, यानी कि ये भी बेसिकली कह सकते हो, अगर हम बेसिक फिलोसफी की बात करें तो ये डीपीएसपी एक प्रकार से आपका फंडामेंटल राइट ही है, बस जस्टिसिएबल नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट के पास आप नहीं जा सकते कि भाई साहब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया, मतलब डीपीएसपी का वायलेशन हो गया, तो हम सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से इम्प्लीमेंट कर देंगे, यही नहीं है। बस फंडामेंटल राइट्स में क्या होगा, वायलेट होगा तो वो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, डीपीएसपी के कुछ प्रोविजंस अगर वायलेट होते हैं तो वहां पर आपको जुडिशरी के सामने जाकर आप स्टेट के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते कि ये जो है स्टेट इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। बट ऑब्जेक्टिव यही थी कि धीरे धीरे इसे इम्प्लीमेंट किया जाए पूरे नेशन लेवल पर, लेकिन उस समय की स्थिति को ध्यान में रखे तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस एज वेल एज जो सोसाइटल डेवलपमेंट है ना, वो सब अभी धीरे धीरे विकसित हो रही थी। चैलेंजेज उस समय और कुछ भी थे, जैसे नेशन बिल्डिंग का चैलेंज बहुत बड़ा था है ना, तो धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करना था, इसीलिए ये समय अनुसार ये प्रोविजन जो है इम्प्लीमेंट होते रहती है। सो हम कह सकते हैं दे आर सप्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड दे आर इंटेंडेड टू फिल इन द वैकम इन पार्ट 3, यानी पार्ट 3 में जो नहीं मिल सका वो आपका पार्ट 4 के माध्यम से मिल सकता है, दैट इज द सोशल एंड इकोनॉमिक राइट। पार्ट 3 जो है वो आपका मेनली पॉलिटिकल राइट्स को डील करता है, इंडिविजुअल फ्रीडम को डील करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे सोसाइटियल वेलबींग पर फोकस किया जाता है ना। और भी हम धीरे धीरे जो प्रोविजन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इसका जो इंडिकेशन है या फिर इनका जो झुकाव है वो किस दिशा में है। कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट की बात करते हैं, मिनर्वा मिल केस 1980 में आया था, इसमें साफ साफ बोला गया है कि हारमोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी वो इसेंशियल फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, है ना। तो यानी कि हारमोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर इसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट याद रखने मिनर्वा मिल केस के है। और एक्सेप्शंस टू डीपीएसपी गोलकनाथ केस में निकल कर आता है, यानी कि ये बोला गया है ना, आपको भी पता होगा कि जब गोलकनाथ केस का फैसला आया था तो कहा गया कि सर्टेन डीपीएसपी है जो क्या करेंगे जब इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा तो उसे इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड कि ये जो है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द फंडामेंटल राइट, उसको वायलेट करता है। तो वो कौन से दो डीपीएसपी के प्रोविजंस हैं तो वो देख लो। अगर कोई कानून आर्टिकल 39 B एंड आर्टिकल 39 C ऑफ द डीपीएसपी इस प्रोविजन को इफेक्ट देने के लिए लाया जाता है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19, है ना। कि भाई साहब जो आपके 39 B की ही अगर हम बात करें तो 39 B आई थिंक कि आपका जो इनकम इनइक्वालिटी है उसे डील करता है, जो आपका 39 C है वो आपका शायद कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करने का बात करता है। तो आप इसे डिस्कस से देख लेना, क्योंकि अभी हम डिस्कस करेंगे 39 B और 39 C, क्योंकि ये दो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, और इसी आर्टिकल्स को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे जो डीपीएसपी के रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो लाए जाते हैं, और बेसिकली बहुत सारे कानून जो है इन्हीं प्रोविजंस पर इर्द गिर्द घूमती है। और सर बीएन राव जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, इन्होंने भी रिकमेंड किया कि जो राइट है इंडिविजुअल का वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होने चाहिए, एक तो जस्टिसिएबल राइट्स हो, एक दूसरा आपका नॉन जस्टिसिएबल राइट हो। तो भाई साहब इसे एक्सेप्ट कर दिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, इसीलिए आपका पार्ट 3 पार्ट 4 साथ में आता है, पार्ट 3 के बाद आपका पार्ट 4 आ जाता है, जो कि आपका एक आपका जस्टिसिएबल है, दूसरा नॉन जस्टिसिएबल है। तो अगर हम बात करें क्या कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स है डीपीएसपी के, ये आपको पता होने चाहिए। पहली बात तो ये कि ये आपका संविधान के तरफ से इंस्ट्रक्शन है, रिकमेंडेशन है स्टेट को, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हो, इन सारे मैटर्स में एक प्रकार से गाइडलाइंस या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन का काम करता है आपका डीपीएसपी। एंड डीपीएसपी रिजेंबल्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में
लाया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये भी सिमिलर था कि ये दिशा निर्देश देता था, है ना। तो उसी के तरह ये भी लगता है। हालांकि डीपीएसपी बोरो किया गया है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ये जरूर याद रखना है। एंड डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। एंड डीपीएसपी की अगर मूल धारा या फिर आपका प्रिंसिपल देखें तो वो वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना, नॉट पुलिस स्टेट। जहाँ पर पुलिस स्टेट में क्या होगा कि हर चीज कंट्रोल करी जाएगी स्टेट के द्वारा, स्टेट सब कुछ मॉनिटर करेगा, तो ऐसा नहीं। वेलफेयर स्टेट जहाँ पर सोसाइटी को हम प्रायोरिटी देते हैं, सोसाइटी की जो भी समस्या है प्रॉब्लम्स है उनको हम डेमोक्रेटिक वे में डील करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। एंड डी पी एस पी एम एट रियलाइजिंग जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, जो आपको प्रियम्बल में भी मैंशन किया गया है। और ये नॉन जस्टिसिएबल है, सबसे बड़ी बात तो ये कि यानी कि अगर इसका वायलेशन भी होता है स्टेट, अगर इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि हम कोर्ट चले जाएंगे इस ग्राउंड पर कि भाई साहब इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है तो इसे इम्प्लीमेंट करवाया जाए, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। एंड टी पी एस पी मदद करते हैं कोर्ट्स को भी इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ, एंड कि कभी कभी लेट से कि कोई लॉ है वो उसकी जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रही है उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो कहीं ना कहीं तो फिर फंडामेंटल ड्यूटीज के कुछ प्रोविजंस को देख लिया जाता है, डीपीएसपी के कुछ प्रोविजंस को देख लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं डीपीएसपी भी कहीं ना कहीं मदद करती है इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। एंड सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी लॉ जो इम्प्लीमेंट करती है डीपीएसपी को वो रीजनेबल होने चाहिए आर्टिकल 14 एंड 19 सेज, ये बातें कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपने भी सुना होगा जो डीपीएसपीज है उनको विचारधाराओं के आधार पर क्लासिफाई किया गया है, सोशलिस्ट विचारधारा के आधार पर कुछ प्रोविजंस को डाल दिए गए हैं, है ना। साथ ही साथ ये आपका फिर जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, उस आधार पर डिवीजन किया गया। लेकिन याद रखना है आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं किया, यानी कि अगर आप ओरिजिनल संविधान को अगर खोल कर देखोगे तो ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि भाई साहब सोशलिस्ट प्रिंसिपल और सोशलिस्ट में ये है। ये बेसिकली जो राइटर्स है उन सबों ने इसको ईज डाउन कर क्लासीफाई करा है। सो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल बट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेंट, है जब इसके कॉन्टेंट को हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कौन से प्रिंसिपल्स का रिफ्लेक्शन होता है। तो ब्रॉडली तीन प्रिंसिपल्स में डाले गए, एक तो सोशलिस्ट है, गांधीयन है और लिबरल इंटेलेक्चुअल है। और सोशलिस्ट की बात करें तो ये आपका सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है और यहाँ पर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट को इस्टेब्लिश करने की बात करता है और सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रदान करने की बात करता है। और सबसे पहली बात तो यही कि सोशलिस्ट में जो आपके प्रोविजंस आ जाते हैं वो है आपके आर्टिकल 38, इसमें बेसिकली वेलफेयर ऑफ पीपल को प्रमोट करने की बात करी जाती है। कैसे, तो बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर परमिएटेड बाय जस्टिस, और जस्टिस में भी आपका क्या, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, साथ ही साथ टू मिनिमाइज इनइक्वलिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी, जो ऐड करी गई 44th अमेंडमेंट में, है ना। सो क्या आपको याद रखने हैं क्वेश्चन इसी में, इस वे में पूछे जा सकते हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स क्या है डीपीएसपी के। याद रखना है आपको प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर, ये तो है ही है, और ये आपका टू मिनिमाइज इनकम इनइक्वलिटीज, है ना, स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी, एंड ये याद रखना है टू मिनिमाइज इनकम इनइक्वलिटीज, इसे 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत एड किए गए थे। हाउएवर इसमें आपका उतना प्रॉपर डिटेल से नहीं दिया गया, आप एम लक्ष्मीकांत के बुक को खोलकर अच्छे से पढ़ना, उसमें और ज़्यादा क्लियर से होगा। इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं है तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आप उसे एक बार विजिट करके देख लेना। आर्टिकल 38 में और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं। वैसे आर्टिकल 39 की बात करते हैं तो इसमें बोला गया है टू सिक्योर स्टेट पॉलिसी मस्ट सिक्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, तो क्या बोली गई है इसमें, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। दूसरा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग ऑल। तीसरा, आपका प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये देख लो, ये 39 है ना, ये आपका 39B है और ये आपका 39C है। वही बोला गया कि अगर डीपीएसपी के 39B एंड 39C के प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने के लिए इवन आपका फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 14 और 19 वायलेट करता है तो चलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया था। दैट्स वाई बहुत सारे लॉज लाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं इस प्रिंसिपल पर आधारित है, आपने देखा भी होगा। उसके बाद क्या है आपका, टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वोमेन। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चाइल्ड अगेन द फॉर्सिबल यूज। उसके बाद आपका अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, इसे भी 42nd अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था, है ना।
तो एक तो हमने क्या देखा, टू मिनिमाइज इनकम, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी, ये 44th अमेंडमेंट के तहत आपका एड किया गया था, और जो अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन है ये 42nd अमेंडमेंट के तहत एड किया गया था। एंड आर्टिकल 39A की बात करें तो देख लो, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत एड किया गया। सिंपल, ये तो आपको ही पता होगा, आर्टिकल 39A आपका फ्री लीगल एड टू द पुअर, और इसके लिए आपका जो नालसा है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं वो प्रोवाइड भी करते हैं, और सर्टेन एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया भी होती है, यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा भी है डिटेल में जाकर। और आर्टिकल 41 की बात करें तो देख लो, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी किसी को कहते हैं भत्ता, है ना, बेरोजगारी भत्ता जिसको कहते हैं, तो कई कई राज्य आप सुनते हो कि बेरोजगारी भत्ता देते हैं, तो ये भी इसी से प्रभावित है ना। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, ये सब आपके आर्टिकल 41 कहते हैं। फिर आर्टिकल 42 की बात करें, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। उसके बाद आर्टिकल 43 आपका, टू सिक्योर लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ हो, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज सारे वर्कर्स के लिए हो, ये सब भी बात करता है। आर्टिकल 43A की अगर बात करें तो टेक अ स्टेप टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, है ना, ये 42nd अमेंडमेंट है। फिर 47, यानी कि आर्टिकल 47 की बात करें तो टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, तो ये बातें आपकी 47 में कही गई है। तो हमने कवर किया आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर आधारित जो डीपीएसपी के प्रोविजन है उसे, एंड लेट्स मूव टू द गांधीयन प्रिंसिपल पर जो आधारित है प्रोविजंस उस पर। तो बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी, उनके आइडियोलॉजी पर डिपेंडेंट है, यानी कि जब आप इनके प्रोविजंस को देखोगे तो आपको साफ साफ दिखने लगेगा कि हाँ, ये गांधीयन फिलोसफी ही हो सकती है, दैट्स वाई इसको डिमार्केट किया गया है ना। ये सब के सब जो नेशनल मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने प्रिंसिपल्स या प्रोग्राम चलाए थे उसी से प्रभावित है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 40 टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, कहीं ना कहीं गांधी जी विलेज पंचायत के बहुत बड़े समर्थक रहे, है ना, इसीलिए जो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात कही गई थी उसको गांधी प्रिंसिपल में डाला गया है। और आज आप देख लो, ये जो विलेज पंचायत आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग इनको मिल गया 7374 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, है ना। एंड फिर आर्टिकल 43 देख लो, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, गांधी जी कॉटेज इंडस्ट्री के तो वहाँ समर्थक रहे ऑन एन इंडिविजुअल या फिर कॉपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। उसके बाद आर्टिकल 43B की बात करें तो टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपका एड किया गया 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत, है ना। तो आर्टिकल 43B में क्या बोला गया, टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपका अलग से एड किया गया था 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। एंड आर्टिकल 46 की बात करें तो ये आपका टू प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज, एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, प्लस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉइटेशन। फिर आर्टिकल 47 की बात करें तो प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ये बात भी आपका गांधी जी से प्रभावित है। एंड आर्टिकल 48 की बात करें तो प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ कॉज एंड इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, ये भी बातें कही गई। और अगर हम बात करें लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल की, तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में क्या जाते हैं, तो आर्टिकल 44 देख लो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, कि जो भी भारत के नागरिक हो सभी के साथ एक आपका मैरिज लॉ हो, डाइवोर्स लॉ हो, या आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है ना, तो जो सिविल कोड हो यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द सिटीजन वेदर दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन और कास्ट, ये बातें हो जाती है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, है ना। और आर्टिकल ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आर्टिकल 45 की बात करें तो टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अनटिल दे कम्प्लीट द एज ऑफ 6 ईयर, ये सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया गया था। इसी को बेसिकली पहले ये आपका 6 से 14 ईयर्स के बीच एजुकेशन की बात करी जा रही थी, तो जब उसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया तो यहाँ पर इसे अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल के प्रोविजन डाल दिए गए, है ना, आर्टिकल 45 में 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। और यही आपको याद होगा 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के ही तहत आपका जो है राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट के रूप में स्टैब्लिश हुआ था अंडर आर्टिकल 21A। एंड आर्टिकल 48 की बात करें टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन, आर्टिकल 48A की बात करें तो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड विल लाइफ, यहाँ पर ऐड किया गया अलग से 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत। और आर्टिकल 49 की बात करें तो प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो इसकी बात करता है। आर्टिकल 50 की बात करें तो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी आपको याद रखने है ना, आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। एंड आर्टिकल 51 टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, मेंटेन ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस,
एंड फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज ऑब्लिगेशंस एंड इनकरेज पीसफुल सेटलमेंट, तो ये सब बातें आ जाती है। और ये सब तो ठीक है। अब यहाँ देखो डायरेक्टिव्स जो आउटसाइड पार्ट फोर, यानी कि ऐसा ही नहीं कि सिर्फ डायरेक्टिव्स आपके जैसे फंडामेंटल राइट्स की हमने बात करी थी वो आपके पार्ट थ्री में थे, लेकिन कुछ और अधिकार दिए जाते हैं विच इज आउटसाइड द फंडामेंटल राइट, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था है ना। लेकिन इसी प्रकार से डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट फोर तो क्या क्या है देख लो, आर्टिकल 335 पार्ट 16, तो इसमें क्लेम्स ऑफ एसटी एंड एसटीज टू सर्विसेज इसकी बात करता है। आर्टिकल 350 ए पार्ट 17, इसमें इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग इसके बारे में बात करते हैं। एंड आर्टिकल 351 पार्ट 17, ये आपका डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज की बात करता है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तरफ आपका डीपीएसपी है और दूसरी तरफ आपका फंडामेंटल राइट्स है, तो कोई भी लॉ अगर बनाया जाता है तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है कि वो लॉ जो है वो कन्फ्लिक्ट में आ जाता है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच। यानी कि लेट्स से कि अगर कोई लॉ बनाया गया जो डीपीएसपी के कुछ प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया गया, अब पता चला कि वो फंडामेंटल राइट के कुछ प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है, तो जब ऐसी परिस्थितियाँ आएगी तो किसकी जीत होगी? तो किसकी जीत होगी इसके पहले आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास बार बार आता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसमें अपने सुझाव और जो अपने डिसीजन है वो देते चले गए, अल्टीमेटली उस प्रकार से ये आपका सॉल्यूशन भी निकलता चला गया। तो देख लो सबसे पहली बात तो ये आती है चंपाकम दोराई राजन केस 1951। तो चंपाकम दोराई राजन केस 1951 में सुप्रीम कोर्ट का व्यू यही था कि अगर किसी भी प्रकार की कंफ्लिक्ट आती है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच, तो फंडामेंटल राइट्स वो प्रिवेल करेंगे डीपीएसपी के ऊपर, यानी कि वो डीपीएसपी से जुड़े कोई भी अगर कानून होगा वो खारिज हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। तो क्या किया जाना चाहिए डीपीएसपी के प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए? तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया कि आप क्या करो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हो है ना, सो दैट जो डीपीएसपी के प्रोविजन है उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये तरीका सुझाव दिया गया था। फिर आता है मैटर आपका गोलकनाथ केस 1967 में। यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया कि पार्लियामेंट जो है वो कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं ले सकती विचार चक्र से, एंड इतना ही नहीं फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। तो यहाँ पर भी स्टेटस को जो है वो आपका मेंटेन किया गया, लेकिन यहाँ पर तो साफ साफ बोल दिया गया कि इवन आप अगर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो इस माध्यम से कि पहले आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर दो जो उस डीपीएसपी के प्रोविजन को वायलेट कर रहा होगा, और उसके बाद डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर दो, तो यहाँ पर वो भी आपका स्कोप खत्म हो गया। जबकि पहले में क्या था कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर दो और उसके बाद आप डीपीएसपी को ले आओ, कन्फ्लिक्ट जब सोल्व हो जाएगी तो यहाँ पर ये आया। फिर पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 पास करवाया, तो इसके तहत पार्लियामेंट ने अपने आप में पावर लिया कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट्स। कैसे? बाय इनएक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके किसी भी फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस को ले सकती है। और उसके बाद इतना ही नहीं, इस अमेंडमेंट के तहत 31C ला दिया गया जिसके तहत एनी लॉ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C वो वॉइड नहीं होगी अगर वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट करती है। आर्टिकल 14 यानी कि इक्वलिटी, आर्टिकल 19 यानी कि राइट टू फ्रीडम, जिसके तहत 6 फ्रीडम राइट्स देखने को मिलते हैं ना, ये बात निकल कर आई थी। तो 31C को ऐड किया गया इसमें, जिसमें यह साफ साफ बोला गया कि आर्टिकल 39B और 39C के प्रोविजंस अगर इंप्लीमेंट करने तो वो वायलेट नहीं करेंगे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को। एंड साथ ही साथ ये भी बोल दिया गया कि सच ए लॉ कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट्स। उसके बाद आपका आता है केशव नंद भारती केस 1973। और केशव नंद भारती केस 1973 की बात करें तो ये अबव सेकंड प्रोविजन डिक्लेयर्ड इनवैलिड है ना, ये जो आपका सेकंड प्रोविजन है वो इनवैलिड हो गया जुडिशियल रिव्यू बिकॉज बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसा बोल दिया गया कि सच ए लॉ कैन नॉट बी क्वेश्चन इन लॉ, ये तो भाई साहब सरासर एक प्रकार से जुडिशियल रिव्यू को छीन लेना है, इसलिए यहाँ पर फिर निकल के आता है कि भाई साहब जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर ऐसे छीना ही नहीं जा सकता। एंड वी हैव द 42nd अमेंडमेंट 1976, इसमें यह साफ साफ बोल दिया गया कि कोई भी लॉ जो इंप्लीमेंट करेगी डीपीएसपी के किसी प्रोविजन को वो वॉइड नहीं होगी तब तक जब तक वो वायलेट करती है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 को, है ना। यानी कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 कहीं ना कहीं वो इन्फीरियर हो गया एक ओवर द डीपीएसपी, बिकॉज आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को कहीं ना कहीं डीपीएसपी वायलेट कर सकता है और डीपीएसपी इंप्लीमेंट हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, डीपीएसपी अकॉर्डेड प्राइमेसी ओवर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। मिनर्वा मिल केस 1918 में क्या आता है आपका, अबव प्रोविजंस अंडर 42nd अमेंडमेंट डिक्लेयर्ड इनवैलिड है ना, तो ये जो अबव प्रोविजंस है ये आपके इनवैलिड कर दिए गए। और ये बोला गया कि भाई साहब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड
ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, यानी कि कहीं कहीं आपको फंडामेंटल राइट्स को भी झुकना पड़ेगा और कहीं कहीं डीपीएसपी को भी झुकना पड़ेगा। वैसे ये देखा जाए तो ये अभी सही है, यानी कि अगर डीपीएसपी के कोई प्रोविजंस आते हैं जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में कंफ्लिक्ट आ जाते हैं तो वो डीपीएसपी वॉइड डिक्लेयर नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई भी डीपीएसपी के प्रोविजंस ला दिए गए और फिर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं चलेगा, वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। सिर्फ दो के लिए रिवेट दी गई है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के लिए। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ डीपीएसपी की तो देख लो, इट फैसिलिटेट स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी, साथ ही साथ सप्लीमेंट्री है टू द फंडामेंटल राइट्स, प्लस इट इनेबल्स ए फेवरेबल एटमोसफियर फॉर द फुल एंड प्रॉपर एंजॉयमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, साथ ही साथ इट इनेबल द अपोजिशन टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट, एंड ये क्रिशियल टेस्ट के रूप में भी काम करता है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट की। वैसे आप देखो तो थोड़ा सा डीपीएसपी को खोल करके कुछ इंप्लीमेंट कर भी रहे या नहीं कर रहे, एंड ये एक प्रकार से कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के रूप में भी काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने डीपीएसपी को कवर कर लिया, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज को कवर करेंगे। तो ये भी शॉर्ट सीरीज ही होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।